चैप्टर है हमारा, व्याकरण का पाठ है हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें है अविकारी शब्द। अब ये है कि अविकारी शब्द हम किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ा शब्द का, शब्द विचार पढ़े थे हम लोगों ने, याद है? यस मैम। शब्द विचार, वाक्य विचार, ये सब ये चीजें पढ़ी थी। शब्द विचार में हमने एक चीज पढ़ा था, शब्दों के प्रकार भी पढ़े थे। उसमें आपको याद है कि हमने पढ़ा था कि एक अविकारी शब्द और विकारी शब्द। यस मैम। पुरानी को अपनी कॉपी का पेज टर्न करके देख लो, दिख जाएगा। ओके, अब क्या है, परिवर्तन की दृष्टि से शब्द को दो भागों में बांटा गया, यानी दो प्रकार के होते हैं। एक तो मैम विकारी, दूसरे अविकारी। हाँ, जो पहला होता है हमारे फर्स्ट नंबर पे, वो कौन सा होता है? विकारी। मैम विकारी। ओके, एक बार बच्चे ऐड हो जाएं। हाँ, फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है कौन सा शब्द आएगा? विकारी। आपको ये लिखना भी है, कॉपी में नोट डाउन भी करना है। और दूसरा आएगा हमारा अविकारी। यानी विकारी के आगे अपन ने अ लगा दिया तो अविकारी। क्लियर हो गया? यानी परिवर्तन के आधार पर शब्दों को के दो प्रकार बताएंगे। फर्स्ट वाला होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। अब देखिए, प्रश्न ये आता है कि विकारी शब्द किसे कहते हैं और अविकारी किसे कहते हैं, किन शब्दों को विकारी कहेंगे, किन को अविकारी कहेंगे। तो क्या होगा इसमें, वे शब्द, विकारी शब्द के लिए बता रही हूं मैं, वे शब्द जिनके रूप, जो इन शब्दों का रूप किसके आधार पर, वचन, वचन कारक और लिंग, वचन कारक और लिंग, ये तीन चीजें हैं, वचन कारक लिंग और एक हो जाता है पुरुष। इनके आधार पर जो बदल जाता है, इनके आधार पर जो बदल जाएगा तो वो तो हो जाएगा हमारा विकारी। यानी किन किन चीजों पे, वचन कारक लिंग और पुरुष के आधार पर अगर परिवर्तन होता है तो वो तो हमारे होते हैं विकारी शब्द। अब अविकारी शब्द कौन से होते हैं, जिनमें कोई इसमें तो हो जाएगा ये परिवर्तन, ये तो हो जाएगा हमारा परिवर्तन और ये हो जाएगा हमारा अपरिवर्तन, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता। क्लियर हो गया? यानी कि ये परिवर्तन क्या होगा, वचन कारक और लिंग और पुरुष के आधार पर परिवर्तन हो जाएगा। ये भी समझाऊंगी इसको कैसे होगा। और जिसमें परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होने का मतलब होता है वो अविकारी शब्द हो जाएंगे। क्लियर हो गए यहाँ तक? आगे चलते हैं हमारे, अब परिभाषा लिखेंगे विकारी की। फ्लो चार्ट इसलिए बनवाए कि जिससे कि आपको समझने में इजी हो जाएगा। विकारी कौन से होते हैं, लिखते जाइए इन शब्दों। क्लियर तो हो रहा है ना बेटा, आपको दिख तो रहा है ना? यस मैम। इन शब्दों में कौन कौन से आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और थर्ड नंबर पर विशेषण। यानी कि ये सब आए, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, क्रिया, विशेषण व क्रिया आते हैं। लिख लीजिए, हो गया? यानी कि विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, इन शब्दों में संज्ञा आते हैं। अब संज्ञा को देख के आपसे कोई पूछे कि ये कैसे शब्द है, विकारी शब्द है। स्वरनाम विकारी शब्द है, विशेषण व क्रिया भी विकारी शब्द में आते हैं। ठीक है, आप अविकारी में लिखिए, अविकारी।
चलें। इन शब्दों में क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, ठीक है, संबंधवाचक। नेक्स्ट कौन सा होता है हमारा? समुच्चयवाचक। कौन कौन से हो गए? क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और लास्ट में आता है हमारा विस्मयादि बोधक। समझ में आ गया? यानी हमने पढ़ा अविकारी शब्द। तो सबसे पहले अविकारी शब्द क्या, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, पहला विकारी और दूसरा अविकारी। अब इसमें है विकारी शब्द में कौन कौन से आते हैं? वचन, कारक, लिंग और पुरुष। इनमें परिवर्तन हो जाता है वो होते हैं हमारे विकारी, जिनमें परिवर्तन नहीं होते हैं वो अविकारी, ठीक है। और इसमें देखो विकारी में क्या आता है, इन शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए संज्ञा विकारी है या अविकारी, तो आप फौरन जवाब दे सकते हो कि संज्ञा विकारी है। अविकारी के अंदर क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मयादि बोधक आते हैं। क्लियर हो गए यहां तक? चलिए yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट। अब इसमें सबसे पहले देखो, अभी हमने पढ़ा ऊपर अविकारी शब्द, यानी कि हमको अभी क्या पढ़ना है इसमें? अविकारी शब्द। तो अविकारी में हमने सबसे पहला क्या आ रहा है हमारा? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक। नहीं, अविकारी में सबसे पहले क्या आ रहा है? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण को हमको पढ़ना है कि क्रिया विशेषण क्या चीज है। क्रिया विशेषण की डिटेल आपने को समझनी है कि क्रिया विशेषण क्या चीज है, किसे कहेंगे हम क्रिया विशेषण। इसमें देखिए हेडिंग डालिए क्रिया विशेषण। हेडिंग डाल लीजिए क्रिया विशेषण, ओके okay? अब इसमें हम लिखेंगे क्रिया विशेषण में सबसे पहले बेटा टाइम का थोड़ा ध्यान रखा करो, खास तौर से जब ग्रामर पोर्शन चलता है उसमें। हाँ, यहां तक हमने सीख लिया वंशिका। आज जो चल रहा है वो क्रिया विशेषण के बारे में बता रही हूँ, अविकारी शब्द और विकारी शब्द के बारे में। अब क्रिया विशेषण में क्या होता है, किसे कहेंगे हम क्रिया विशेषण? वे अविकारी शब्द जो वाक्य में क्रिया संबंधी विशेषताएं हमको बताते हैं। वे अविकारी शब्द जो वाक्य में क्रिया संबंधी, यानी कि साफ लिखा हुआ है क्रिया की विशेषता, यानी जिन शब्दों से वाक्य में क्रिया की विशेषता का पता चले वो हमारा क्रिया विशेषण हो गया। इजी है, समझ में आ गया? Yes, ma'am. इसी में उत्तर लिखा हुआ है। Yes, क्रिया विशेषण किसे कहेंगे? जो वाक्य, जो शब्द वाक्य में, जो शब्द वाक्य में क्रिया की विशेषता बताएं उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। लिख लीजिए वे अविकारी शब्द जो वाक्य में क्रिया की विशेषता बताते हैं, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द हमारे क्रिया विशेषण कहलाएंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल लिया कि
जैसे में लिखिए। राम धीरे चलता है, ठीक है, राम धीरे चल रहा है, एक सेंटेंस आ गया। अब इस सेंटेंस में हमको क्रिया विशेषण बताना है, तो पहले तो सेंटेंस में हमको ये ढूंढना है कि क्रिया क्या है। उससे पहले हमें ये पता हो जाता है कि क्रिया कहते किसे हैं, यानी क्रिया किसे कहेंगे, कोई भी काम, जो भी काम सेंटेंस को पढ़कर आपको लग रहा है कि कोई काम हो रहा है वो हमारी क्रिया है। अब इस सेंटेंस में, पूरे सेंटेंस में क्रिया क्या दिख रही है हमको, क्या काम होता हुआ दिख रहा है, चलने का काम होता हुआ दिख रहा है। तो चलना क्या है हमारी क्रिया, चलना हो गया हमारी क्रिया। क्रिया आगे समझ में यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए हमें ढूंढना क्या है, इसमें क्या सर्च करना है, क्रिया विशेषण। और हमने ऊपर पढ़ा है कि जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे जो क्रिया हो रही है उसकी क्या विशेषता है, धीरे धीरे, तो धीरे क्या हो गया हमारा विशेषण, क्रिया विशेषण, वेरी गुड। आ गया समझ में, आंसर निकल गया अपने आप, अपने आप निकल गया आंसर। यानी कि क्रिया विशेषण हमने पढ़ रहे हैं, पहले हमने पढ़ रहा है अविकारी शब्द, पहले शब्द, शब्द के बारे में हम जब पढ़ रहे हैं तो शब्द के कितने प्रकार हो गए, दो, सॉरी यहाँ पर केवल शब्द ही लिखो आप, जिससे कंफ्यूज नहीं होगे, केवल शब्द कर लेना, ओके, जिससे आपको, क्योंकि मैं डायरेक्ट क्रिया विशेषण से पढ़ाती तो आप समझते थे क्रिया विशेषण आई कहाँ से। तो पहले हमने सोचा है कि शब्द, शब्द के दो प्रकार बताए थे, विकारी और अविकारी, और विकारी के अंदर हमारे वचन, कारक, लिंग और पुरुष के आधार पर जो परिवर्तन हो जाता है वो विकारी, अविकारी जो जिसमें इनमें परिवर्तन नहीं होता। फिर विकारी शब्द किसे बोलते हैं, जिनमें सॉरी वो सर्वनाम विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण व क्रिया, यानी इनमें परिवर्तन होता रहता है। अविकारी के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक, विस्मयादि बोधक आते हैं। अब इसमें फर्स्ट नंबर का क्रिया विशेषण में वे अविकारी शब्द जो वाक्य में क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम, उसे क्या कहते हैं, हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम धीरे चलता है तो राम इसमें हो गया क्रिया, और चलता है धीरे वो हो गया विशेषण। यहां तक क्लियर हो गया, आगे चले। यस मैम। ये थोड़ा ऊपर का रफ कर रही हूँ, जो बच्चे लेट हैं वो थोड़ा लिख लेंगे जी, ठीक है। आगे आता है हमारा नेक्स्ट, इसी में जो आता है, एक मैंने आपको सिखाया था प्रविशेष्य, प्रविशेष्य किसे कहते हैं, जो शब्द क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताता है वो तो हो गया हमारा क्रिया विशेषण, लेकिन जो शब्द क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है वो हमारा हो जाता है प्रविशेष्य। तो लिखिए इसमें क्रिया प्रविशेष्य, ठीक है, क्रिया प्रविशेष्य, यानी सब्जेक्ट एडजेक्टिव जो आता है वो आता है इसके अंतर्गत। क्रिया शब्दों, क्रिया विशेषण शब्दों की इसमें लिखिए क्रिया विशेषण शब्दों की आगे क्या आएगा, विशेषता ठीक है, क्रिया विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, प्रविशेष्य, प्रविशेष्य,
यानी हमने सीख लिया कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, इसके बाद में प्रविशेष्य क्रिया प्रविशेष्य किसे कहते हैं, यानी कि जो शब्द क्रिया विशेषण के शब्दों की विशेषता बताते हैं वो हमारा क्रिया प्रविशेष्य कहलाते हैं। अब इसी एग्जाम्पल को मैं आगे समझा रही हूँ, एक ही एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो क्लियर होता जाएगा। जैसे लिखिए राम बहुत धीरे चलता है, क्लियर हो गया। जैसे राम बहुत धीरे चलता है, हमने अभी परिभाषा को पढ़ा था, क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम प्रविशेष्य कहते हैं, प्रविशेष्य क्रिया कहते हैं या क्रिया प्रविशेष्य कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें नीचे वाले जो एग्जाम्पल था उसमें हमको समझ में आ गया था कि ये हमारी क्रिया है, ये हमारा क्या है, विशेषण है, लेकिन इन दोनों की भी विशेषता बता रहे हैं। इन दोनों की क्या विशेषता बता रहे हैं कि वो धीरे तो चलता है लेकिन बहुत धीरे चलता है, बहुत धीरे चलता है। तो ये जो बहुत शब्द है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया प्रविशेष्य, क्या हो जाएगा, क्रिया प्रविशेषण, प्रविशेष्य, क्लियर हो गया यहां तक। यस मैम, चले हम आगे। यस मैम, अगर हम क्रिया विशेषण के वो करते हैं, भेद करते हैं इसमें, तो इसके चार भेद बताएगा। ये वाला रब कर दूं, अब देखिए क्रिया विशेषण के भेद, नेक्स्ट लिखिए क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं, चार। कितने भेद होते हैं क्रिया विशेषण के, चार, चार भेद होते हैं। अब इसमें फर्स्ट नंबर डालिए, लिखते जा रहे हैं कि आप लोग लिख रहे हैं, हाँ लिख लीजिए, वर्क कंप्लीट होता जाएगा वरना आप भूलते जाओगे साथ के साथ। फर्स्ट नंबर में है कालवाचक, काल वाचक, वाचक, ठीक है। अब कालवाचक क्रिया विशेषण भी लिख लो, पूरा लिखोगे तो कंफ्यूज नहीं रहोगे, क्रिया विशेषण। अब सेकंड नंबर पे हम लिखेंगे, क्या आएगा सेकंड नंबर पे, काल के बाद में स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। आप थर्ड नंबर डालिए, थर्ड नंबर पे क्या होगा, रीतिवाचक, क्रिया विशेषण। क्रिया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और फोर्थ नंबर पे आता है हमारा परिमाण वाचक क्रिया विशेषण, क्लियर हो गया। यस मैम, बस इतना आप समझ लो, इतना समझ में आ गया या कहीं कुछ आपको दिक्कत आ रही है ये बता दो समझने में। तो मैम कहीं भी नहीं समझ, क्रिया प्रविशेष्य समझ में आ गया हमको, हमने समझ लिया एग्जांपल, एक ही एग्जांपल से दोनों चीज समझ ली। फिर आता है हमारा क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के हमने चार भेद सीखे हैं, पहला कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाण वाचक, ठीक है। अब कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है बताइए,
काल वाचक, काल का मतलब क्या होता है? मैम काल तो समय होता है। काल मतलब समय, वेरी गुड। जब हमको सेंटेंस में पढ़ करके, वाक्य को पढ़कर ये पता चलता है कि समय के बारे में जानकारी दी जा रही है या समय की विशेषता के ऊपर बताया जा रहा है, तो वह हमारा हो जाता है कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। यानी कि जो भी क्रिया हो रही है उस क्रिया का समय बताया जाता है, वो हमारा कालवाचक विशेषण कहलाता है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए ये रब कर दूं, ये हो गया आपका ऊपर वाला? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब इसका कालवाचक का एग्जाम्पल देके समझा देती हूँ। परिभाषा तो समझ में आ गई कि जहां जब वाक्य में समय से संबंधित ये समय की विशेषता या वह कार्य किस समय पर हो रहा है ऐसा कुछ बताया जाता है, तो वो हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता रही हूँ फर्स्ट नंबर पे। राम कल आएगा। अगर इसमें मैं पूछूं कि इसमें से बताइए कि कालवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है, तो कौन सा मैम होगा? कल। मैम कल। यानी कि आपको यहाँ समय बताया जा रहा है, तो ये समय कौन सा बताया जा रहा है? कल के समय के बारे में। कल समय का मतलब ये नहीं कि टाइम बताया जाएगा, आपका दिवस हो सकता है, एक दिन हो सकते हैं, महीने हो सकते हैं, किसी भी रूप में समय के बारे में जानकारी दिया जाएगी, तो वो हमारा हो जाता है कालवाचक क्रिया विशेषण। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. या दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं, वह है सुबह से पढ़ रहा है, तो इसमें सेंटेंस में सुबह सुबह समझ में आ गया? सुबह से केवल सुबह नहीं, सुबह से पढ़ रहा है, ये हमारा हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण। मैम ये लिखना भी है कि जैसे राम कल आएगा, मैम ये लिखना भी है कॉपी में? ये आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसी के आगे चाहे आप लिखो तो एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल से की चीज समझ में आ जाती है। ठीक है, उदाहरण लिख दो ऊपर, उदाहरण लिख दोगे तो समझ में आ जाएगा। सेकंड नंबर पे हमारा था हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब स्थानवाचक में क्या आएगा? जगह। मैम जगह। जगह यानी कि जब सेंटेंस को आपको पढ़कर ये पता पड़ता है कि उस विशेष स्थान के बारे में जानकारी दी जा रही है, तो वो हो जाता है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसका एग्जाम्पल देखिए, मोहन उधर बैठा है। अब क्या है इसमें स्थानवाचक? उधर बैठा। उधर बैठा, बैठा तो बेटा क्रिया होगी ना, क्रिया उधर। हाँ, उधर जो शब्द आएगा वो हमारा जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मैम अगर इसकी जगह कोई और एग्जांपल दे कि जैसे कि ताजमहल आगरा में है। हाँ, तो स्थान हो गया ना, जगह बताई, जहां पर भी, जहां बताई जाएगी, जो भी जगह बताई जाएगी वो हमारा मतलब इसको हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आप देखिए थर्ड नंबर पर हो जाता है, ये भी समझ में आ रहा है काल का मतलब समय से। मैम अभी वंशिका ने बोला ताजमहल आगरा में, तो मैम आगरा तो नाउन हुआ ना? आगरा तो नाउन हुआ ना, तो मैं मुझे क्रिया नहीं नहीं यहाँ पे ये बताया जाएगा। सुनो, यहाँ पर स्थान के लिए वो ऊपर बैठा है, वो नीचे बैठा है, प्रीपोजिशन जिसको बोल सकते हैं ना। यस मैम। वो मैम लेकिन आगरा भी तो स्थान ही है कोई। देखो एक सेकंड, वो नाउन है, वो संज्ञा हो गया ना। मैम नाउन तो अधिकारी शब्द में आता ही नहीं है। देखो देखो जैसे वो इधर बैठा है, वो ऊपर बैठा है, वो नीचे बैठा हुआ है, तो ये जो जगह बता रहे हैं उस जगह के बारे में जो बताया जाएगा वो हो जाएगा हमारा स्थानवाचक। ठीक है, अब थर्ड नंबर पर हमारा आता है रीतिवाचक। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया में होने के ढंग को, यानी कोई भी काम के करने के ढंग को बताए जाते हैं, रीति बताई जाती है, रीति का मतलब काम करने का तरीका या ढंग, उसे बोलते हैं हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंदर क्या क्या चीज होती है? देखो जो स्थानवाचक में एक बार कंफ्यूज हो तो मैं बता दूं,
स्थान विशेषक में होती है स्थिति सूचक। स्थिति सूचक में कौन कौन होते हैं? यहाँ, वहां, कहाँ, आगे, पीछे, भीतर, बाहर, ऊपर, नीचे, ये सारे आ जाते हैं। और दूसरा एक होता है दिशा सूचक, इधर उधर, दाएं बाएं, इधर किधर, ये वाले सब जो होते हैं दिशा, यानी जहाँ दिशाएं बताई जाती है और जो स्थिति बताई जाती है वो इसके अंतर्गत आते हैं स्थानवाचक में। ठीक है, थर्ड नंबर का आता है हमारा रीतिवाचक, जिन क्रिया विशेषण के अंतर्गत हमें काम करने के ढंग को बताया जाता है कि काम किस प्रकार से किया जाता है, काम करने के तरीके के बारे में जानकारी दी जाती है, वो हमारा हो जाता है क्रिया विशेषण, सॉरी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसका जैसे राम तेज चलता है, अब यहाँ राम जो क्रिया तो है तेज तो है, लेकिन उसकी रीति बताई जा रही है कि वो धीरे चल रहा है, वो तेज चल रहा है, वो अच्छा जोर से हंस रहा है, वो धीरे हंस रहा है, तो ये जो सारी चीजें बताई जाती है वो हमारी रीति बताई जाती है ना। वह धीरे धीरे लिखता है, तो जो धीरे धीरे लिखना है वो भी हमारी क्या हो जाती है, क्रिया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब यहाँ पर तेज जो हो जाएगा, चलने का तरीका बताया जा रहा है, जहाँ काम करने का तरीका बताया जाएगा वो हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। और फोर्थ नंबर की जब विशेषण भी हो सकता है ना, क्या विशेषण तो है, हाँ क्रिया विशेषण तो ये भाई क्रिया विशेषण के तो ये सेंटेंस दे ही रखे हैं सारे। अब उन सेंटेंसों में से उसके प्रकार बताने की कौन सा भेद है, क्रिया विशेषण तो सारे ही है, विशेषता तो सारे सब में बता रहे कि वो उधर बैठा है, वो आएगा, कल आएगा, ये विशेषण तो सारे बता रहे, लेकिन उसमें से इन चारों में से वो कौन सा है, कौन से वाले में प्रकार में आ रहा है वो आपको बताना है। समझ में आया? ओके मैम। अब फोर्थ नंबर का हमारा है परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। अब परिमाण वाचक के अंतर्गत क्या आता है बताइए मैम, मात्रा भी नहीं, परिणाम, परिणाम अलग चीज है, परिमाण अलग चीज है, परिणाम का मतलब होता है, देखो दोनों में अंतर समझ लो, नाप तोलना, हाँ नाप तोल का, और परिमाण पढ़ने में सुनने में एक से लगते हैं लेकिन दोनों के अर्थ में परिवर्तन होता है। परिमाण का मतलब तो होता है हमारा नतीजा या फल, क्या फल मिला है ना, और इसका मतलब क्या होता है, सॉरी उल्टा मैंने भी देखो, परिणाम का मतलब तो क्या है, माप तोल, यानी जहां पर किसी चीज के मापने या तोलने की बात होती है ना, वो तो होता है हमारा परिमाण वाचक परिमाण, और परिणाम का मतलब होता है नतीजा या फल, कि आपको इसका क्या फल मिला, क्या परिणाम निकला, क्या नतीजा निकला। समझ में आ गया दोनों के अर्थ में परिवर्तन? चलिए, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, परिणाम परिमाण तो उसको आप जो दो एक दो बार बोलोगे ना तो फिर क्लियर हो जाएगा आपका। ओके, अब देखिए हमारा फोर्थ नंबर का क्या था, फोर्थ नंबर का एग्जांपल मैं आपको लिखवा रही थी, जहां पर नापतोल की बात की जाती है, क्रिया विशेषण शब्दों में क्रिया के परिणाम मापतोल का पता चलता है, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल के देखो, जैसे वह बहुत कम सोता है। अब यहां पर आप कहोगे मैम नापतोल थोड़ा होता है, लेकिन ये पता चल रहा है कि कम सोता है, ज्यादा सोता है, तो क्वांटिटी की बात होगी, बहुत कम है ना, बहुत कम सोता है, तो ये जो बहुत कम शब्द आ जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा परिणाम, परिणाम, ठीक है, परिमाण, परिणाम नहीं मैम, परिमाण, परिमाण। समझ में आ गया यहाँ तक, क्लियर हो गया यहाँ तक? यस मैम। चलिए टाइम एक बार देख लीजिए मैम, मैम 2:41 हो गया टाइम, हो गया, ठीक है, नेक्स्ट हम कल करेंगे। इसमें सेकंड नंबर पे क्या था हमारा, सेकंड नंबर पे क्या था क्रिया विशेषण के बाद, भूल गए, अभी लिखा था संबंध बोधक, हाँ संबंध बोधक, वो हम कल रीड करेंगे। ओके, ओके, ये आप लिख लीजिए जिनका है, तो बाद में अगर यहाँ पे नहीं लिख पाए तो आप अपना वीडियो वहाँ देख लेंगे यूट्यूब पे और देख लेंगे, ठीक है, उसमें से कंप्लीट कर लेना। ओके मैम, ओके मैम।
मैम। ओके बेटा।